हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल टेस्टी और इजी रेसिपी लेके आया। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आज बना रही हूँ मक्के की रोटी और सरसों का साग। लेकिन लोग मक्के की रोटी बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं आज ये मक्के की रोटी को एक ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ, जिसे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मूली और थोड़ा सा मूली का पत्ता और थोड़ा सा ओनियन। तो ये पराठा इतना टेस्टी बनाएगा कि आप लोग उसको ऐसे भी खा सकते हो, अचार के साथ खा सकते हो, खाली भी खा सकते हो। लेकिन हम आज इसके साथ बना रहे हैं सरसों का साग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैं एक बड़ा सा ओनियन लिया है और एक मीडियम साइज टमाटो का हाफ लिया है, एक लहसुन लिया है और दो हरी मिर्च लिया है और उसको सब मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ मैंने सरसों का साग लिया है और उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। उसका जो स्टेम है, मोटा मोटा स्टेम है, उसको मैं निकाल दूँगी और जो पत्ते है उसको मैं क्लीन करके फिर बारीक चॉप करूँगी। यहाँ मैंने सरसों का सबको अच्छे से धो के क्लीन करके उसको बारीक कट कर लिया है। तो मैं एक प्रेशर कुकर लेके उसमें ऐड करूँगी, क्योंकि सरसों के साग को पकने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। यहाँ मैंने एक बंच पालक लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ सरसों के साग भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने थोड़ा सा मेथी का पत्ता, उसको भी मैंने धो लिया है, उसको चॉप करके उसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ जो मैंने चॉप करके रखा था, और आधा ओनियन यहाँ डाल रही हूँ, और आधा लहसुन और आधा ओनियन हम तड़का में यूज करेंगे। और उसके साथ मैं इस ग्लास में एक ग्लास पानी जैसा ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, फिर हम उसको दो सीटी तक पकने देंगे। अभी हमारा कुकर में सीटी आ गए हैं, तो उसको हम खोल के चेक करते हैं कि हमारा साग अच्छे से पक गया है। लेकिन हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास ऐसे चरखा है तो आप लेके उसको मिक्स कर सकते हो या घोट सकते हो, नहीं तो आप स्पून के साथ भी कर सकते हो। मेरे पास तो ये था तो मैं उसके साथ घट रही हूँ। हम अभी वो साग के साथ थोड़ा मक्के के आटे मिक्स करेंगे। हम ऐसे डालेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएगी, तो हम उसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे जैसे कि कोई लम्स ना रहे। फिर हम वो मक्के के आटे को वो साग के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों के पास मक्के के आटे नहीं है तो आप उसके बदले 2 स्पून बेसन भी ऐड कर सकते हो। इसे बेसन में थोड़ा पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर दो, फिर उसके डाल दो। मेरे पास मक्के के आटे था तो मैंने उसको यूज़ किया है। हम अभी वो मक्के के आटे को साग के साथ ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से पकने देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और घोटेंगे और उसको 5 मिनट तक उसके साथ कुक होने देंगे। साग अभी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तब हम अभी तड़का के लिए एक पैन लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे एक लाल मिर्ची और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा और 1 टीस्पून पंचफोरन, और उसको अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कटी हुई लहसुन, और उसके बाद हमने जो प्याज और टमाटर कट करके रखा था हम अभी यहीं पे उसको ऐड कर देंगे, और उसके साथ थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स। 1/2 टीस्पून जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा पकने देंगे। फिर हम उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी,
इसमें टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टमाटर डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो हाफ टमाटर जैसा आप ऐड करना और उसको थोड़ा कवर करके वो मसाला को थोड़ी देर के लिए पकने दे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, हम निकल के देख रहे हैं, अभी हमारा टमाटो सॉफ्ट हो गया है अच्छे से, तो हम अभी उसको थोड़ा चला लेंगे और मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है, तो हम अभी उसमें साग ऐड करेंगे। आप चाहो तो उसमें पानी थोड़ा ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए था तो मैंने और पानी ऐड नहीं किया। इतना थिक रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसी स्टेज पे मैं थोड़ा बटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया है। और अभी हम उसको 2 मिनट के लिए ढक के थोड़ा पकने देंगे। एक्चुअली इसमें बटर ऐड करने से उसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है, तो आप जरूर डालिए। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हमारा सरसों का साग अभी रेडी है। आप चाहो तो धनिया पत्ता ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ हम डालेंगे जो कटी हुई हरी मिर्च हमने रखा था, और हम उसको यहीं पर डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और फिर हमारा करी रेडी है। हम ये भी पराठा बनाएंगे, और पराठा के लिए मैं मूली थोड़ा ऐसे एक मूली लिया है, उसको ऐसे कट कर दिया है, और उसको पत्ता को भी धो के अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक चप्पर में डाले हैं उसको ग्रेट करने के लिए। आप चाहो तो उसको कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस चप्पर में उसको ग्रेट कर दिया है। आप देख सकते हो वो बारीक बारीक हो गया है। फिर हम उसको एक बाउल में निकालेंगे। फिर मैं वहाँ थोड़ा अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ, और एक ओनियन को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया उसको मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दूँगी। और उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके ऐड करूँगी, इसीलिए अच्छे से 2 मिनट के लिए उसको छोड़ूँगी, क्योंकि उसके ओनियन से और मूली से थोड़ा पानी निकल आएगा, और उसके हिसाब से जब हम आटा गूँथेंगे तो उसके हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने 1 कप मक्के के आटा लिया है और 1 कप गेहूं के आटा लिया है, और उसको हम अभी, और यहाँ मैंने 1 टीस्पून जैसा ऑयल भी ऐड किया है, और उसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ रही हूँ, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब उसको सेट करने के लिए रखेंगे तो ओनियन और मूली से भी थोड़ा पानी निकलेगा, तो इसीलिए उसका हम ध्यान रखेंगे कि हम जितना पानी चाहिए उतना ही ऐड करेंगे। फिर हम डो को ढककर थोड़ी देर के लिए उसको सेट होने दें, जैसे 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर हम उसका पराठा बनाएंगे। मामा। अभी 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। मैं उसको अच्छे से थोड़ा मसल दूंगी, और उसको हम तोड़ के छोटा छोटा लोरी बनाएंगे, फिर हम उसका पराठा बनाएंगे। अभी हम पराठा को अच्छे से बेल लेंगे, उसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा, आप जितना चाहे कर सकते हो, मैं थोड़ा छोटा छोटा बेल रही हूँ। और अभी लग रहा है ना पराठा हमारा कितना सुंदर लग रहा है, वो जितना सुंदर लग रहा है दिखने में, खाने में भी उतना टेस्टी होगा। अभी हमने गैस के ऊपर एक तवा रख दिया है पराठा को सेकने के लिए, और उसको उलट पुलट कर हम सेकेंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो आप बटर और घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सनफ्लावर ऑयल में उसको बनाया है। पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है, और आप लोगों भी इस तरीके से एक बार पराठा बना के खाइए, और ट्रस्ट मी ये वाला पराठा सरसों के साग के साथ बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरे रेसिपी अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक यूनिक सुपर टेस्टी यम्मी पुलाव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।